आप एक साइटेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं आप अपने या अपने क्लाइंट के बिजनेस प्रोफाइल के लिए, आप एक ऐसे मेजर साइटेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं जिस वेबसाइट की ट्रैफिक बहुत हाई हो, उसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो हाई हो, एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ भी आप सर्च करते हैं तो वो पहले पेज में उसकी लिंक जरूर आती है, तो वैसे वेबसाइट पर आप जरूर चाहेंगे अपनी बिजनेस प्रोफाइल का साइटेशन क्रिएट करना, तो आज का वीडियो होगा इम्पोर्टेंट। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे कि कैसे हम इस तरह के मेजर साइटेशंस क्रिएट करें अपने बिजनेस प्रोफाइल के लिए। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। चलिए तो आज बात करते हैं कोरा की, QUORA। कोरा एक आपका क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग अपनी क्वेश्चन और या अपनी आंसर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पे लिखते हैं, जिसकी ट्रैफिक टॉप आपके जो गूगल का पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, उसमें जरूर आता है। और ये एक बहुत ही बढ़िया इंगेजिंग प्लेटफॉर्म है। आपकी कोई भी बिजनेस हो, किसी भी बिजनेस यानी कि प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड हो, आप जरूर अपनी बिजनेस की प्रोफाइल वहां क्रिएट करें। आप वहां पे अपनी साइटेशंस दर्ज करें, यानी कि कम से कम जो NAP होता है आपका, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये जरूर दर्ज करें। और इस तरह से आपकी बिजनेस प्रोफाइल की एक अलग ऑथोरिटी बिल्ड होगी और आपका एक मेजर साइटेशन में काउंट होगा, जो लोकल SEO को बूस्ट करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप पे और आज के इस वीडियो में सीखते हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस का प्रोफाइल क्रिएट करेंगे कोरा पे, और किस तरह से साइटेशन बनाएंगे, कैसे हम NAP रखेंगे ताकि उसकी ज्यादा लाभ मिल सके। एक इम्पॉर्टेंट चीज और आपको बता दूं कि अक्सर कोरा में जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसकी ईमेल बार बार आती है, तो कई लोगों की शिकायत होता है कि वो तो ईमेल से जो उसकी मेल होती है उसे मेरा ईमेल ही भर जाता है, तो उसकी भी सोल्यूशन हम देंगे आज की इस वीडियो में कि आपकी कौन सी सेटिंग्स करने की जरूरत है ताकि आप बार बार के ईमेल से परेशान न हो और आप जिस उद्देश्य से कोरा पे आप अकाउंट बना रहे हैं उसकी भरपूर लाभ ले सके। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आप क्रिएट करेंगे कोरा पे आप अपना अकाउंट। तो सबसे पहले आप आ जाइए गूगल पे और यहाँ सर्च कीजिए कोरा, QUORA, और यहाँ जो पहली वेबसाइट है कोरा.com उसको हमने ओपन कर लिया। क्योंकि यहाँ मेरा नया अकाउंट बनाना है इसलिए सिंपल हम साइन अप विथ ईमेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे व्हाट वुड यू लाइक टू बी कॉल्ड, यानी क्या कहा जाना आप पसंद करेंगे, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे बिजनेस का नाम ही होना चाहिए तो बेस्ट रहेगा। तो हमने यहाँ पे गुड्स ऑफ डिजिटल सॉल्यूशन टाइप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ आपको लिखना होगा ईमेल आईडी, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है, बिजनेस ईमेल आईडी हो, उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके लिखने के बाद जस्ट आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे। तो चलिए हमने यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दिया, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जाएगा आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल, तो एक कोड जाता है आपको, तो आप अपनी ईमेल आईडी खोल लीजिए। चलिए हम भी अपनी ईमेल आईडी खोल कर देख लेते हैं, और हमारे पास ये ईमेल आईडी आ भी चुका है, यानी कि कोड जो है ये आ चुका है। चलिए अब यहाँ पे हम इंटर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास ये जो 6 डिजिट का कोड आ चुका है, डालकर हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब यहाँ आपको पासवर्ड क्रिएट करने की ज़रूरत होगा, चूँकि आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड इसी से आपका ओपन होगा। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप क्रिएट कर लें, जस्ट हम भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में मेनली आपके जो अल्फ़ाबेट होते हैं और डिजिट होते हैं, इसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर टिक करके और फिनिश कर देंगे। तो इसके बाद आप जस्ट इतना करते ही आपकी जो अकाउंट है लगभग क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर वन लास्ट स्टेप होता है कि आप जिस भी टॉपिक से रिलेट करते हैं वो टिक कर लें। जैसे हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी को टिक कर लिया, और देखते हैं कौन हमारे से संबंधित है। अब राइटिंग, मैथमेटिक्स ये सब तो नहीं है। हाँ, यहाँ मार्केटिंग है हमसे संबंधित, तो मार्केटिंग ले लेते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, ऑब्वियसली मोबाइल टेक्नोलॉजी भी रख लेते हैं। तो जो जो टॉपिक यहाँ सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड हमको मिलेगा, जो भी इस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंटरनेट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये तमाम चीज़ें हम टिक कर लेते हैं।
आप ही उससे संबंधित कर लेंगे ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड ही आपको पोस्ट देखने को मिलेगा, क्वेश्चन सेंसर भी आपको देखने को मिलेगा। एक तरह से आपको वो मेल भी आता है बार बार, हालांकि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उस मेल बार बार ना आए तो सुकून रहता है, नहीं तो आपका ईमेल ही भर जाता है बार बार। तो तमाम जो भी आपके टॉपिक हो आप इसको सिलेक्ट कर ले, अब इतना रहने देते हैं और बाद में भी किया जा सकता है, जस्ट अब आपको डन पर क्लिक कर देना है। अब ये करने के बाद ही ये जो है आपका क्रिएट हो गया अकाउंट। अब यहाँ पे ये इसका डैशबोर्ड हो गया या होम पेज कहिए, और इस होम पेज पे जो भी पोस्ट है आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का दिख रहा है, होम हो गया, इसके बाद जो भी फॉलोइंग होगा वो आपको दिखेगा। तो ऐसा कुछ तो है नहीं मेरे साथ, तो फिलहाल ऐसा इसमें कुछ दिखा नहीं रहा है। इसको ओवर स्पेस, यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं, यहाँ मेनली क्वेश्चन और आंसर ही पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर आपको आया है तो जवाब देना है। और यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक होता है, तो यहाँ पर भी आपकी एक बिजनेस साइटेशन के रूप में भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपकी कम्युनिटी एक तरह से हो जाती है, यहाँ से इन लोग को आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे ये गेट इंस्टा फॉलोअर्स करके दिया हुआ, गेट फेसबुक फॉलोअर्स एंड लाइक्स, इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म एक तरह से बने हुए हैं, और इनकी जो पेजेज है आप इस पर आ करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपको जो पसंद आए इसके हिसाब से कर सकते हैं। जो मेन चीज़ है यहाँ पे ये है ऐड क्वेश्चंस, तो ऐड क्वेश्चन पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐड करने का ऑप्शन देता है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन भी ऐड करके देखते हैं, और यहाँ एक ऐड करते हैं क्वेश्चन, हाउ टू गेट लीड्स, क्योंकि बिजनेस मैन को लीड्स चाहिए, और लीड्स फॉर बिजनेस। और यहाँ पे देखिए नीचे दिखा भी रहा है ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो हमने लीड्स फॉर बिजनेस फ्री लिख लिया। देखिए इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन दिख रहा है, हाउ कैन यू गेट फ्री लीड्स फॉर योर बिजनेस डेली। तो इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग करने का प्रयास करते हैं, इस फ्री को गेट के बाद ही उसी के अकॉर्डिंग फ्री यहाँ रख लेते हैं, और लास्ट में एक सिंपल हम लोग सिर्फ इस दोनों में ऑनलाइन नहीं है तो हम लोग ऑनलाइन लिख देते हैं, तो इसे थोड़ी सी यूनिक बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑनलाइन लिख लिया, यानी कि हाउ टू गेट फ्री लीड्स फॉर बिजनेस ऑनलाइन, और ऐड क्वेश्चन पर हमने क्लिक कर दिए। अब देखिए अगेन ये डबल चेक योर क्वेश्चन में दिखा रहा है कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसका मतलब ये है नीचे वाला, तो क्या आप ये चाहेंगे, तो मतलब वो सजेस्ट कर रहा है, तो नहीं हम चाह रहे हैं कि ऊपर वाला ही रहे, तो आस्क ओरिजिनल क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, और यदि आप चाहते हैं कि नीचे वाला के अनुसार चेंज हो जाए तो यूज सजेशन पर क्लिक करेंगे। तो हमने आस्क ओरिजिनल पर ही किया। अब देखिए यहाँ कह रहा है वाच योर क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क, देखिए अब हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड दो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा सकता है, और जो क्वेश्चन एक बार पूछा गया उसको दोबारा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपको यदि उसकी जानकार है तो आपको जाके पढ़िए। तो हमारे साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग का व्यू करेंगे क्वेश्चन को तो देख सकते हैं इस पर ऑलरेडी कई लोग आंसर दे चुके हैं, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली है कि अब हमें इसको एडिट करने की ज़रूरत है। अब एडिट क्यों करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन ये तो ले नहीं रहा है, तो क्वेश्चन हमको बदलना होगा, और यहाँ हम सिंपल करते क्या है कि ऑनलाइन के बदले में ऑफलाइन कर देते हैं, तो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर हम कर दिए ऑफलाइन, क्योंकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो चलिए हमने यहाँ पे ऑफलाइन किया और ऐड क्वेश्चन पर क्लिक कर दिया। अगेन ये सजेशन दे रहा है, हम वही चाह रहे हैं आस्क ओरिजिनल क्वेश्चन, पता नहीं ले नहीं रहा है, चलिए फिर एक बार और ट्राई करते हैं, और नहीं ले रहा है तो चलिए यूज सजेशन का ही उपयोग कर लेते हैं, चूँकि पता नहीं ये हाउ टू गेट फ्री लीड्स फॉर बिजनेस ऑफलाइन कर रहे हैं, नहीं ले रहा है तो यूज सजेशन पर क्लिक करके देखते हैं, शायद यहाँ से ले लें, और यानी कि यही लेगा वो, हो सकता है। तो हमने क्लिक किया और यहाँ पे ये सक्सेसफुली क्वेश्चन तो पास हो गया। अब यहाँ पे ये सारे लोग जो उस टॉपिक से रिलेटेड व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी आंसर इतने सारे दिए जा चुके हैं इनके द्वारा, तो ये संख्या भी दिखा रहा है भेजाते, तो इनको रिक्वेस्ट भेजना होता है किसके लिए, आंसर के लिए। और मैं आपको बता दूँ कि इसमें मैक्सिमम 25 जो है आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 हुआ है, 25 में से 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑल टॉपिक्स भी लिखा हुआ, फिलहाल हम यहाँ पे भेजते हैं, तो यहाँ टोटल ऑल टॉपिक से रिलेटेड लोग यहाँ पे हमको मिल रहे हैं और इनको भेज रहे हैं।
हालांकि हम अपने चाहे कि मार्केटिंग वाले को सिर्फ मार्केटिंग पर टिक किया, अब ये सारे मार्केटिंग वाले लोग आ गए, यानी मार्केटिंग में ये लोग इतने सारे आंसर दिए हुए हैं। तो अगेन हम इन लोगों को सेंड करना शुरू किया और ये 25 मेरा पूरा हो गया। अब इसके बाद सिंपल हमको डन पर क्लिक कर लेना है और ये असिस्टेंट है उसका बना रहा है आप पे, यानी कि आपके क्वेश्चन का आंसर जो जस्ट लाइक एआई है इसका भी पोए जो कि आपके कोरा का एआई है एक तरह से। चलिए यहाँ से हम लोग निकलते हैं और सिंपल इसको छोड़ देते हैं और आगे जो हम लोग को मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग समझेंगे, वो ये कि हमारी प्रोफाइल की सेटिंग करना, क्योंकि इसी द्वारा हम अपने बिजनेस के लिए साइटेशंस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसका जो लोगो है इस लोगो को चेंज करने की जो सेटिंग्स है इसको देख लेते हैं। और इस डैशबोर्ड पे आपको टोटल दिख जाता है प्रोफाइल, क्वेश्चंस, आंसर्स, पोस्ट कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं। तो चलिए पहले लोगो बदलते हैं और इस पेंसिल बटन पर क्लिक किया और एक ये लोगो है इसको हम चेंज करते हैं। तो जस्ट वेट, अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद कुछ ऐसा, अब हमको डिस्क्राइब करना है अपने बारे में मतलब अपने बिजनेस के बारे में। तो यहाँ पर हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन है जो हमने लिख रखा ऑलरेडी, बस इसी को जस्ट कॉपी करते हैं और यहाँ ले चल करके पेस्ट कर देते हैं। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है, वहीं डिस्क्राइब कर दिए अपने बिजनेस के बारे में। और यहाँ पर फोटो भी एक ऐड कर लेते हैं, तो जस्ट यहाँ पर हम लोग व्हाट्सअप नीचे करते हैं और यहाँ फोटो पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक बैनर जो है इसको इसी को लगा देते हैं। अपलोड हो रहा है और ये अपलोड हो भी गया, अपने बिजनेस को लाए ऑनलाइन। अब यहाँ पे इसके जस्ट नीचे अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है, एक साइटेशन जस्ट लाइक क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हमको NAP जो होता है, नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, तो इतने तीन बेसिक चीज़ होती है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि टोटल आ जाए। तो यहाँ हमने व्हाट्सअप डिजिटल सोल्यूशन यानी कि अपने बिजनेस का नाम लिखा, उसके बाद यहाँ पे NAP यानी कि अब एड्रेस लिख लेते हैं। तो जस्ट एड्रेस हमने लिखा, वो एड्रेस वही लिखे जो कि हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर मेंशन है और इवन कि आपके जो वेबसाइट है वहाँ पर मेंशन है, तो वहीं पर आप ये सेम एज ए सेम एड्रेस, चूँकि बार बार मैं ये बात बोलता हूँ कि वही NAP सेम होना चाहिए क्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म ऑल वेबसाइट। तो NAP का नेम हो गया, एड्रेस हो गया और मोबाइल नंबर, नंबर नहीं भी रहेगा सिर्फ मोबाइल भी रहेगा तो चल जाएगा। तो चलिए सिर्फ मोबाइल ही लिखते हैं, 94316 6244, वही नंबर जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे भी, यानी तीनों चीज़ सेम रहना चाहिए। अब यहाँ चूँकि स्पेस है हमारे पास कि लिख सकते हैं, तो हम यहाँ वेबसाइट लिख देते हैं www.goodsofdigital.com करके और यहाँ पे हम इंटर किए और यहाँ पे हम लोग करते क्या है, ईमेल लिख लेते हैं। अब मैं बता दूँ कि देखिए बाय डिफ़ॉल्ट लिंक कनेक्ट हो गया गूड्स ऑफ डिजिटल सोल्यूशन करके और उसकी जो बैकग्राउंड में लिंक सेट हो गया। फिलहाल यहाँ पर ईमेल mail@goodsofdigital.com हमने ईमेल आईडी भी सेट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा कस्टमाइज यानी खूबसूरत बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आप बोल्ड कर लेते हैं इसको, यानी नाम को बोल्ड कर लेते हैं, बाकी सबको आई थिंक इटैलिक कर लेते हैं और ये सही रहेगा। तो एड्रेस को हम पहले यहाँ सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग इटैलिक करिए, आई पर क्लिक किए, देखिए इटैलिक हो गया। उसी तरह से मोबाइल नंबर को भी कर लेते हैं, तो इसको भी हमने इटैलिक कर लिया और उसी तरह से आपकी जो ईमेल आईडी है इसको भी इटैलिक कर लिए। अब इस प्रकार से यदि आप चाहें तो इस वेबसाइट की जो एड्रेस है, हालांकि एड्रेस अब वो लिंक कनेक्ट हो चुका है तो, लेकिन है यदि क्लिक करेगा कोई तो हमारी वेबसाइट पर आ सकता है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट रूप से हमने अपने बिजनेस को डिस्क्राइब कर लिया। अब अपडेट बटन पर क्लिक कर लेंगे तो ये आपकी कंप्लीट होती है हमारी बिजनेस प्रोफाइल, एक तरह से एक साइटेशन यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर जो दिखा रहा था, हम जस्ट देख लेते हैं कि हमारी जो दिखा रहा है हाउ डू आई गेट फ्री लीड्स फॉर ए बिजनेस, जो हमारी क्वेश्चन है, तो इस पर अभी कोई आंसर नहीं आया है। हमने 25 लोगों को रिक्वेस्ट भेजा है, तो जो भी आएगा फिर अपडेट हमको यहाँ मिल जाएगा। तो कुछ और सेटिंग्स देख लेते हैं, फिलहाल यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, हमने जो भेजा है उस पर आया नहीं है, तो जस्ट इसको कट करते हैं। और यहाँ पर जो उसकी जो मेन सेटिंग्स मेन वो हम देख लेते हैं, इसके लिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ऐड प्रोफाइल क्रेडेंशियल होता है, जैसे यहाँ लाइब्रेरियन इन न्यूयॉर्क ऐसा कुछ अपने बारे में लिखना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो
हमको नहीं लग रहा है कि लिखने की जरूरत है, आप क्या लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर, तो ऐसा लिख सकते हैं, बट हम इसको अभी नहीं लिखेंगे, छोड़ देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। आप ऐड कर सकते हैं, यदि आप पर्सनल अपनी अकाउंट से बनाए हैं तो आप ज़रूर ऐड कर दीजिए, जैसे मेरे पर्सनल में है ये, चूँकि बिजनेस वाला ही बनाया है तो इसमें हमको इसको अवॉइड कर दिए। तो चलिए अब आपकी कुछ सेटिंग्स को हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए हमें हमको जाना होगा यहाँ पे, यानी कि सेटिंग में, तो यहाँ मिल गया नीचे में सेटिंग। अब यहाँ देखिएगा अकाउंट है, अकाउंट में वहीं ईमेल आईडी आपका, पासवर्ड, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, लॉग आउट करने का, ये तमाम चीज़ें, फेसबुक लॉग इन कनेक्ट करने के लिए भी दिया हुआ, तो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हालांकि एक एक करके हम जस्ट देख लेते हैं, यहाँ प्राइवेसी भी दिया हुआ है। अब इस प्राइवेसी में भी आपको कुछ जो कमेंट वगैरह है अलाउ करने का वो रहने दीजिए, यहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले में वही है, डार्क है, लाइट है, ऑटो में रहने दीजिए इसको। इसके बाद यहाँ इम्पोर्टेंट है ईमेल एंड नोटिफिकेशन। मैं आपको बता दूँ कि इसमें आप मैक्सिमम हम रिकमेंड करेंगे, क्योंकि आपकी बिजनेस ईमेल आईडी है, तो आप इसको ऑफ कर दें, नहीं तो इतने ईमेल आते हैं, हर एक्शन पे आपको ईमेल आते रहेगा। तो जितने है आप, जैसे मान के लिए न्यू एंसर के लिए था, रिक्वेस्ट के लिए था, सब ऑफ करती है, मैसेज के भी, कमेंट भी, मेंशन भी, स्पेसेस के, ये तमाम चीज़ें आप ही हटा दें। हाँ, न्यू फॉलोअर के एक रहने देते हैं, ताकि इसका थोड़ा सा हो कि कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद अब वोट वाला जो आता है, शेयर, मॉडरेशन, ये तमाम हटा देते हैं, यानी कि सबको ऑफ कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा डाइजेस्ट भी हटा देते हैं। इसके बाद पॉपुलर एंसर, यानी ये जो तमाम चीज़ें हैं, इस सबके लिए ईमेल बार बार आता है, तो आपके ईमेल ऑब्वियसली भर जाएगा, ये हटा दे, आप इससे निश्चिंत हो जाएंगे। लैंग्वेज में बात करें तो इंग्लिश है, आप चाहे तो हिंदी भी कर सकते हैं अभी, लेकिन इसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे हिंदी पर क्लिक किया, आप आ गया ज्ञान बांटने और दुनिया को बेहतर ढंग से समझने की एक अनोखी जगह, अब हिंदी जोड़े बटन पर क्लिक करना होगा, क्योंकि हम करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ऐड हो जाता है, तो हम पर्सनल वाला में दोनों यूज करते हैं, बट यहाँ पे रहने देते हैं। ये सब्सक्रिप्शन एंड बिलिंग है, तो ऐसा कुछ हम करने नहीं जा रहे हैं, यानी फ्री वाला जो है वही हमको यूज करना है। तो इस प्रकार से ये कोरा का अकाउंट बना, यहाँ हमने अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाए। तो आज की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कोरा, जो कि एक मेजर साइटेशंस क्रिएट करने के लिए वेबसाइट से किस तरह से आप क्रिएट करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप भी अपने या अपने क्लाइंट का साइटेशंस जरूर क्रिएट करेंगे इस वेबसाइट पे, और उसका भरपूर लाभ लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो जरूर इसे लाइक करेंगे। आपको किसी भी तरह की क्वेश्चन या किसी भी तरह की सजेशन है तो जरूर आप हमें कमेंट में बताएं, मैं प्रयास करूंगी कि आपके सजेशन को पालन करें, या आपकी जो क्वेश्चन है उस पर वीडियो बनाए। इसके लिए यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।